दोस्तों, खबर मिली है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 9 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि करीब 31 सैनिक घायल हुए हैं। वहीं 21 जवान लापता भी बताए जा रहे हैं। नक्सलियों को सबक सिखाने के लिए इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से इस मामले में बातचीत की है। घायल जवानों में से 7 जवानों का रायपुर के अस्पताल में और 23 जवानों का इलाज बीजापुर के अस्पताल में किया गया है। वहीं मौके से एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है। लापता शवों की तलाश के लिए मुठभेड़ वाले इलाके में सर्च अभियान जारी है। आपको बता दें कि राज्य के नक्सल विरोधी अभियान के पुलिस उप निरीक्षक ओपी पाल ने बताया कि शुक्रवार की रात बीजापुर और सुकमा जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन DRG और STF के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। उन्होंने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान में बीजापुर जिले के तर्रेम, उसूर, पामेर और सुकमा जिले के मिनपा और नरसापुर से लगभग 2000 जवान शामिल थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर सुकमा जिले के जगरगुंडा थाने क्षेत्र के अंतर्गत जोनागुड़ा गांव के करीब नक्सलियों की PLGA बटालियन तथा तर्रेम के सुरक्षा बलों के मध्य मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ 3 घंटे से अधिक समय तक चली। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।